हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप सभी के साथ क्रीमी फ्रूट सैलेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूं, जो कि आने वाली ईद एंड समर्स के लिए बेस्ट रहेगा। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस फ्रूट सैलेड को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर एक कप स्ट्रॉबेरी का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर इसे मैं कट कर रही हूँ, आप लोग जिस तरह भी चाहो इसे कट कर सकते हो। आप लोग जो भी फ्रूट्स पसंद करते हो वही आप लोग इसमें यूज़ करना। उसके बाद इसमें 4 से 5 पीचेस ले रही हूँ, ऐसे भी मैं कट करूँगी। आप लोग जो भी फ्रूट्स पसंद करते हो वही आप लोग इसमें यूज़ करना, लेकिन जो भी फ्रूट्स आप लोग यूज़ करते हो वो सॉलिड हो, वो ज़्यादा वॉटरी ना हो, वरना ये फ्रूट सैलेड अच्छा नहीं बनेगा। इसके लिए 2 मीडियम साइज एप्पल्स का यूज़ कर रही हूँ। इसमें 1 लार्ज मैंगो का यूज होगा, ऐसे भी क्यूब की शक्ल में कट करूंगी। उसके बाद यहां पर इसमें 2 बनाना का यूज कर रही हूं। यहाँ पर मैं 1 कप व्हिपिंग क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। व्हिपिंग क्रीम को व्हिप करते वक्त आप लोग जिस बर्तन का भी यूज़ करेंगे उसे कुछ मिनट के लिए फ्रिज में रखें, इस तरह व्हिपिंग क्रीम इजीली व्हिप हो जाएगा। जैसा आप लोग देख रहे हो ये अच्छी तरह से व्हिप हो चुका है। अब ये फ्रूट्स इस बॉल में डालूंगी। यहाँ पर इसमें 3/4 कप चेरीज का भी मैंने यूज़ किया था, इसका बीच मैंने निकाल दिया है। यहाँ पर इसमें 1/4 कप आइसिंग शुगर को ऐड कर रही हूँ। आप लोग पाउडर शुगर का भी यूज कर सकते हैं, इसमें नॉर्मल चीनी को आप लोग पाउडर कर दीजिएगा उसमें ऐड करें, और अगर आप लोग चाहो तो इसमें हनी का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद इसमें 1/4 कप चॉप वर्निस को ऐड कर रही हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। उसके बाद यहाँ पर जो व्हिपिंग क्रीम को मैंने व्हिप किया था इसमें डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद इसे 1/2 आवर के लिए फ्रिज में रखूंगी, उसके बाद इसे सर्व करेंगे।